हिसार जिले के मिर्चपुर गांव में 21 अप्रैल 2010 को दलितों पर हुए जुल्म की कहानी को शायद ही कोई भूल पाया हो। पिछले 5 सालों से मिर्चपुर गांव में सीआरपीएफ की सुरक्षा तो जैसे यहां रहने वाले दलित परिवारों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन 30 जून की तारीख बीतते ही मिर्चपुर गांव के दलित परिवार एक बार फिर सहम उठे, क्योंकि इसी दिन गांव से सीआरपीएफ की सुरक्षा को हटाया जाना था। गांव में एक बार फिर किसी अनहोनी की आशंका ने यहां दलितों को इतना डराया कि वे गांव से पलायन को ही तैयार हो गए। खतरा ही तो ना मारे बोला, बच्चे डर दे ना जमींदारांगे बोला। हम रात चले गए थोड़ा तो हमारी उन मान ली और हमने उनकी मान लिया, हमें वापिस आ गए। हिसार पुलिस और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लिया तो मिर्चपुर गांव में सीआरपीएफ की सुरक्षा को 2 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया। मिर्चपुर गांव में दलित परिवारों की मांग है कि जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई आखिरी फैसला नहीं आ जाता, तब तक गांव में सीआरपीएफ की सुरक्षा कायम रहे। ये कोर्ट फैसला नहीं हुआ हमारा, कोर्ट फैसला कभी सुना जो खारा जो मीठा जो जब तक उठने नहीं देंगे इसको ना हरियाणा पुलिस को समझने में सीआरपीएफ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीआरपीएफ डिप्लॉय हुई थी यहाँ पे मिर्चपुर वाल्मीकि बस्ती की सुरक्षा के लिए। कल तक का इसका टाइम था तो प्रशासन ने इसको उठाने के आदेश दे दिए, इसको लेकर हमने पलायन कर दिया। खेड़ी चोपटा में जाकर के हमारे सभी परिवार वहां आकर के पुलिस प्रशासन ने इसका 2 महीने का टाइम और बढ़ा दिया। हिसार जिले के मिर्चपुर गांव में पिछले 5 सालों से संगीनों के साए में शांति है। इस अमन चैन को गांव की गलियों में आगे भी कायम रखना अब हिसार पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती है। नारनौल से सुरेश धारा के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार ब्यूरो।